फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी आज की वीडियो में हम लीफ कोस्टर बनाएंगे। ये देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लीफ कोस्टर बनाना। सबसे पहले चेन लेंगे, ये हमने 5 चेन्स ली हैं, और फर्स्ट और लास्ट चेन को जॉइंट करेंगे और ये रिंग बनाएंगे। 3 चेन्स लेंगे, और रिंग के अंदर से 15 टाइम्स डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम रिंग के अंदर से 15 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने 15 डबल क्रोशे बनाए हैं और हमने चेन को भी काउंट किया, तो ये हमारे पास टोटल 16 डबल क्रोशे आएंगे। ये टोटल 16 डबल क्रोशे बने हैं। इसी तरह से 3 चेन्स लेंगे और सेम स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। एक चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन स्पेस में भी हम 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। ये हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया है। अब इसी स्पेस में हम इस तरह से एक डबल क्रोशे और बनाएंगे, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशे एक साथ बने हैं। एक चेन स्पेस लेंगे नेक्स्ट चेन स्पेस में भी हम इसी तरह से 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। फिर एक चेन स्पेस लेंगे, इसी तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और एक फुल डबल क्रोशे बनाएंगे, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशे एक साथ बनेंगे। एक चेन स्पेस लेंगे और इसी तरह से हम सेकंड राउंड भी कंप्लीट करेंगे। ये हमने सेकंड राउंड कंप्लीट किया है, स्लिप नॉट लगाते हुए यहाँ पे जॉइंट किया है। अब थर्ड राउंड हम चेन स्पेस से स्टार्ट करेंगे, तो हम इस तरह से स्लिप नॉट लगाते हुए चेन स्पेस में एक स्लिप नॉट लगाएंगे। एक चेन लेंगे और सेम स्पेस में हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट चेन स्पेस है, उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। 2 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद सेम स्पेस में ही हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से 3 लूप्स में से इस तरह से हम 1 लूप बनाएंगे, और नेक्स्ट चेन स्पेस में हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्पेस में, 1 2। इसके बाद नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। नेक्स्ट चेन स्पेस में भी हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। इसके बाद
फिर से हम नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में भी 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह हमने पहले 3 सिंगल क्रोशे बनाए, फिर हमने 2 सिंगल क्रोशे और 1 हाफ डबल क्रोशे बनाया, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में 1 हाफ डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाए। उसके बाद हमने 4 टाइम्स चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाए। इसके बाद अगले चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। और एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम दो बार धागे को लपेटेंगे और इस तरह से हम दो दो लूप्स के अंदर से निकालेंगे, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशे बन जाएगा। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड भी, जैसे हमने यहाँ पे ये राउंड बनाया है, इसी तरह से हम दूसरी तरफ इसके अपोजिट बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लास्ट में ट्रिपल क्रोशे बनाया है, तो हम इसमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। फिर हमने 2 डबल क्रोशे बनाए थे, तो हम यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद हमने ये 4 टाइम्स 3 डबल क्रोशे बनाए थे। इधर भी ऐसे ही हम 3 डबल क्रोशे 4 टाइम्स बनाएंगे। ये इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशे 4 टाइम बनाए हैं, तो इस राउंड में हमारी लीफ की शेप आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। और 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में 1 हाफ डबल क्रोशे और 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और लास्ट चेन स्पेस में जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 सिंगल क्रोशे बनाए थे, इसी तरह हम यहाँ पे भी 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3 और स्लिप नॉट लगाते हुए जॉइंट करेंगे। ये हमारा यहाँ पे 3rd राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब 4th राउंड के लिए थ्री चेन्स लेंगे और एक एक सिंगल क्रोशे, एक एक चेन स्पेस को स्किप करते हुए अगले चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 चेन्स लेंगे, एक चेन स्पेस को स्किप करेंगे, अगले में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 2 चेन्स लेंगे, एक चेन स्पेस स्किप करेंगे और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम ये वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 4th राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन्स ली थी, उसमें 1st चेन में हम स्लिप
नॉट लगाते हुए जॉइंट करेंगे। फिफ्थ राउंड के लिए एक चेन लेंगे, एक चेन लेंगे और हम अपना ये वाला राउंड हम चेन स्पेस में से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से एक स्लिप चेन बनाएंगे और इसी स्पेस के अंदर हम थ्री सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री। नेक्स्ट चेन स्पेस में भी हम थ्री सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री। जैसे हमने अपने थर्ड राउंड में क्रोशे बनाए थे उसी तरह से हम इसमें भी बनाएंगे। इसमें हम बीच में डबल क्रोशे वाला जो हमारा डिज़ाइन था वो थोड़ा बढ़ा देंगे। दो बार हमने थ्री थ्री सिंगल क्रोशे बना लिए। नेक्स्ट चेन स्पेस में हम टू सिंगल क्रोशे बनाएंगे और एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में हम टू हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और वन डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हम जैसे हमने थर्ड राउंड में फोर टाइम्स थ्री थ्री डबल क्रोशे बनाए थे, इस राउंड में हम सिक्स टाइम्स थ्री थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे अलग अलग चेन स्पेस में। वन टू थ्री। ये मैंने अभी टू टाइम्स बनाया, इसी तरह से हम फोर टाइम्स और बना लेंगे थ्री थ्री डबल क्रोशे। ये हमने सिक्स टाइम थ्री थ्री डबल क्रोशे बनाए हैं। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में हम टू डबल क्रोशे बनाएंगे, और एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में इसी तरह से टू ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे टू ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद अब हम डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। जैसे हमने ट्रिपल क्रोशे में टू टाइम्स धागे को लपेटा था, इसमें हम थ्री टाइम्स धागे को लपेटेंगे। इसमें हम थ्री टाइम्स धागे को लपेटेंगे और सेम स्पेस में हम डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से टू टू लूप्स के बीच में से धागे को निकालेंगे। ये इस तरह से हमारा ट्रिपल डबल क्रोशे बनेगा। दो चेन लेंगे और जैसे हमने थर्ड राउंड में सेम अपोजिट साइड भी हमने सेम डिज़ाइन बनाया था, इसी तरह से हम इस साइड भी सेम डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लास्ट ट्रिपल डबल क्रोशे बनाया, इसमें हम यहाँ पे फर्स्ट ट्रिपल डबल क्रोशे बनाएंगे।
फिर टू ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, और जैसे अब हमने यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशे बनाया था, दो डबल क्रोशे बनाए थे, उसी तरह यहाँ पे भी एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, दो डबल क्रोशे बनाएंगे, और फिर हमने सिक्स टाइम थ्री थ्री डबल क्रोशे बनाए थे, इस तरफ भी हम सिक्स टाइम्स थ्री थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने सिक्स टाइम्स थ्री थ्री डबल क्रोशे बनाए हैं। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में वन डबल क्रोशे और टू हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू। नेक्स्ट चेन स्पेस में वन हाफ डबल क्रोशे और टू सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में थ्री सिंगल क्रोशे बनाएंगे और नेक्स्ट में भी थ्री सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से स्लिप नॉट लगाते हुए जॉइंट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए फोर चेन लेंगे और जहाँ पे हमने फर्स्ट चेन बनाई है वहाँ पे इस तरह से जॉइंट करते हुए सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद दो चेन स्पेस में अलग अलग सिंगल क्रोशे बनाएंगे और थर्ड चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बना के इसी तरह से फोर चेन लेंगे और लास्ट में इस तरह से सिंगल क्रोशे के साथ जॉइंट करते हुए किनारी बनाएंगे। फिर से दो सिंगल क्रोशे लेंगे और थर्ड में सिंगल क्रोशे बना के फोर चेन लेंगे और लास्ट में इस तरह से सिंगल क्रोशे के साथ जॉइंट करेंगे। दो सिंगल क्रोशे बनाएंगे अलग अलग चेन स्पेस में और थर्ड में इसी तरह से हम सिंगल क्रोशे बना के फोर चेन लेके फर्स्ट चेन में जॉइंट करते हुए इस तरह से हम किनारी बनाएंगे। ये हमने हाफ पोर्शन में इस तरह से किनारी बनाई है और यहाँ ऊपर की तरफ दो सिंगल क्रोशे लेंगे और थर्ड हम इसके अंदर से बनाएंगे। फोर चेन लेंगे, इस तरह से जॉइंट करेंगे। इसके बाद वन चेन वन सिंगल क्रोशे लेंगे और नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे लेंगे और थर्ड में हम इसी तरह से किनारी बनाएंगे। तो ये हमारी जो है ऊपर की तरफ इस तरह से किनारी बनेगी और जैसे हमने यहाँ पे बनाई है इसी तरह से हम दूसरी साइड भी किनारी बनाएंगे। ये हमने लास्ट में इस तरह से स्लिप स्टिच लगाते हुए जॉइंट किया है। अब हम इसमें इस तरह से
एक छोटी सी ब्रांच भी बनाएंगे। इसके लिए हम 8 चेन लेंगे, हर चेन में से एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच बनाते हुए हम इसे लास्ट में इस तरह से जॉइंट करेंगे। और यहाँ पे हम अपना धागा कट करेंगे। ये हमारा कोस्टर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कोस्टर कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा। इसमें मैंने बहुत धीरे धीरे बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।